unpaired electrons. Question number 11. Which of the following is non-typical transition element? Silver, mercury, zirconium या lead? तो वो होगा इनमें से mercury, जो कि एक non-typical transition element है. Question number 12. Trigonal bipyramidal is due to which hybridization? और इसका ताल्लुक होगा पांच जिसमें ऑर्बिटल आएंगे DSP3 के साथ. ठीक है जी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन दिस कॉम्प्लेक्स द हाइब्रिडेशन एंड द स्ट्रक्चर इज. अब कॉपर टेट्रा अमाइन या टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हो तो ये DSP2 टाइप हाइब्रिडेशन करता है और स्क्वायर प्लेनर होता है. आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ऑप्शंस हैं 1 एंड 2, 2 एंड 4, या 3 एंड 4, या 1 एंड 4. और आंसर इसका है 2 है और 4 टाइटेनियम. ये दो जो हैं बच्चों ये क्या हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में. क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक रेडियाई, Ni+2, Mn+2, Fe+2 या Cobalt+2. अब सबके ऊपर चार्ज सेम है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन जो है ना वो पहले आता है. अदरवाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जैक्टली मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है. ये हमने वाजिया किया था कि जो आइंस हैं उनके ट्रेंड कुछ इस तरह से हैं और बुक ने लिखा है कि इनमें कोई जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता. आपको जस्ट देखना होगा कि इन पीक्स पर कौन कौन से आइंस आते हैं, वो आपने याद रख लेने हैं. अदरवाइज़ इसका कोई एग्जैक्ट ट्रेंड हम रूल पे नहीं बना सकते. ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ट्रांजिशन केमिस्ट्री द नेम ऑफ वाटर इज. हम इसको एक्वा का नाम देते हैं लिगेंड्स की नेमिंग करते हुए. चार रही ऑप्शन इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 17 है, इन दिस कंपाउंड द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द राइटिंग नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. आपने सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है, नाम नहीं बताना. तो सबसे पहले अमाइन आएगा, फिर क्लोरो का लिगेंड को शो करेंगे, फिर सियानो को, फिर प्लाटिनम को और फिर सल्फेट को. तो इसका आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 है, वाटर इज अ लिगेंड, बाईडेंटेट है, चीलेट है, मोनोडेंटेट या नेगेटिव है. तो ये न्यूट्रल भी है और ये मोनोडेंटेट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये दे सकता है. तो आंसर इसका बच्चों है चार्ली ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल इन कॉम्प्लेक्सेस क्या होगी. कैन नेवर बी नेगेटिव, इज ऑलवेज फिक्स्ड, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, नन ऑफ दीज. तो जाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं. मेटल इन कॉम्प्लेक्सेस जी, इसमें जो है ना आंसर आपने लगाना है क्योंकि उसने फोकस किया है. अगर तो उसने कहा होता ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तो फिर तो आप कह देते हैं कि मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कि मेटल, तो मेटल ने सिर्फ किस में होना है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होना है. तो आप इसका आंसर लगाएंगे अल्फा ऑप्शन कि ये कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की स्टेटमेंट में जिक्र हो तो वो मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है. तो 19 का आंसर अल्फा ऑप्शन होगा. क्वेश्चन 20 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड इज. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसने एक्सेप्ट कर रखे हैं, और वो यकीनन मोनोडेंटेट 6 लिगेंड जुड़े हैं तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स एक्सेप्ट किए हैं. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया चार्ली.